गुड मॉर्निंग क्लास आई एम डॉक्टर स्वाति सक्सेना योर फिजियोथेरेपी फैकल्टी एट इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज तो आज हम एक नए डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे दैट इज़ फ्रोजन शोल्डर ये आपके शोल्डर का एक डिसऑर्डर होता है और ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है ये कॉमनली आपने ओ पी डीज़ में हॉस्पिटल्स में ऑथर ओ पी डीज़ में मेडिसिन ओ पी डीज़ में ये आपने देखा होगा आपने अपने नेबर्स में देखा होगा अपने प्लेसेस में देखा होगा एंड इट इज़ अ वेरी कॉमन डिसऑर्डर जो मेनली uh, uh, बहुत कॉमन uh, पॉपुलेशन में आपको मिल जाता है आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कंप्लेन uh, करते हैं कि उनके शोल्डर में बहुत पेन हो रहा है रात को उनको शोल्डर में मूवमेंट करने में बहुत पेन होता है वो सो नहीं पाते हैं और जब उसका डायग्नोसिस होता है तो पता चलता है कंधा जाम है तो वही कंधे जाम को हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी दैट वॉट इज़ फ्रोजन शोल्डर तो फ्रोजन शोल्डर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एडहेसिव कैप्सुलाइटिस और पेरी आर्थराइटिस मतलब अडेसिव कैप्सुलाइटिस का मतलब है एडेसिव मतलब जम जाना या चिपक जाना और कैप्सुलाइटिस का मतलब है कैप्सूल यानी कि जो आपका शोल्डर जॉइंट है उसका जो ऊपर से कैप्सूल है जो उसका मस्कुलर पार्ट है उसके अंदर जो कैप्सूल है उसका चिपक जाना या उसका अडेसन हो जाना इज़ नोन एज अडेसिव कैप्सुलाइटिस और पेरी आर्थराइटिस तो फ्रोजन शोल्डर आप और भी दो नामों से जान सकते हैं एडहेसिव कैप्सुलाइटिस या फिर पेरी आर्थराइटिस इट इज़ कैरेक्टराइज बाई डेवलपमेंट ऑफ एडेशंस कैप्सुलर थिकनिंग एंड कैप्सुलर रिस्ट्रिक्शंस इन शोल्डर जॉइंट कैप्सूल मतलब जो शोल्डर जॉइंट है उसमें एडहेशन हो जाता है वो चिपक जाता है कैप्सुलर थिकनिंग हो जाती है जो उसका कैप्सूल है वो मोटा हो जाता है थिक हो जाता है और कैप्सुलर रिस्ट्रिक्शन हो जाता है क्योंकि जब चिपक जाएगा तो ऑब्वियसली uh, बात है आप उसमें मूवमेंट नहीं कर सकते जिसकी वजह से कैप्सुलर रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा Uh, आपके शोल्डर जॉइंट कैप्सूल में पेनफुल रिस्ट्रिक्शन ऑफ बोथ एक्टिव एंड पैसिव शोल्डर मूवमेंट्स ड्यू टू कॉज विद इन शोल्डर जॉइंट ऑल्सो आकर्स मतलब आपके uh, जो आपका जो कैप्सूल है वो चिपक चुका है उसमें एडिशन हो गया है जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो ये आपका नॉर्मल कैप्सूल है और ये आपका नॉर्मल शोल्डर ब्लेड है लेकिन ये वाला जो कैप्सूल है ये देख सकते हो आप कि, किस तरह से ये थिक हो गया है ये मोटा हो गया है इसमें इन्फ्लेमेशन हो गया है जिसकी वजह से कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है और अगर मूवमेंट होगा तो फिर वो पेनफुल रिस्ट्रिक्शन कॉज करेगा यही चीज़ ऊपर लिखी हुई है अगर आप एक्टिव मूवमेंट करोगे तो भी पेन होगा अगर आप पैसिव मूवमेंट करोगे तो भी पेन होगा तो दिस इज़ फ्रोजन शोल्डर अब अगर हम बात करें एपिडेमियोलॉजी की तो इट यूजुअली अकर्स बिटवीन द एजेस ऑफ फोर्टी एंड सिक्सटी ईयर्स ये चालीस से साठ साल यानी कि मिडिल एजेस में मोस्ट कॉमन होता है देर इज़ नो नोन कॉज इसका कोई नोन कॉज नहीं है बट कुछ फैक्टर्स हैं जो फ्रोज़न शोल्डर को ट्रिगर कर सकते हैं फ्रोजन शोल्डर कॉज करने में सिम्टम्स दे सकते हैं जैसे कि फॉलोइंग शोज द ओवर परसेंटेज ऑफ अफेक्टेड पॉपुलेशन मतलब किस पॉपुलेशन में आपको मेनली मिलेगा अगर जनरल पॉपुलेशन है तो दो परसेंट लोगों में फ्रोजन शोल्डर होना बहुत कॉमन सी बात है अगर किसी पॉपुलेशन में डायबिटिक पॉपुलेशन की बात करी जाए मतलब अगर डायबिटीज़ है किसी के तो टेन टू थर्टी फाइव परसेंट जो डायबिटिक पॉपुलेशन होगी उसमें फ्रोजन शोल्डर आपको कंपल्सरिली मिलेगा मोर कॉमन इन फीमेल दैन इन मेल मतलब ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है कम्पेरेटिवली टू मेल्स बाइलेट्रली होता है इन ट्वेल्व परसेंट पॉपुलेशन मतलब अगर किसी हंड्रेड uh, पीपल uh, को फ्रोज़न एंड शोल्डर है तो उसमें से जो ट्वेल्व परसेंट पीपल हैं उनको बाइलेटरल uh, उनको बाइलेट्रली फ्रोज़न एंड शोल्डर इफेक्ट करेगा दोनों शोल्डर पे इफेक्ट करेगा एंड इट अकर्स इन नॉन डोमिनेंट हैंड ये इसका एक क्लासिकल uh, फीचर है कि ये नॉन डामिनेंट हैंड मतलब ऐसा हैंड जिससे आप मेनली काम नहीं करते हो बहुत ज़्यादा काम नहीं करते हो वो ये उसी हाथ में Uh, ज़्यादा कॉमनली होता है फिर अगर हम इसके टाइप्स और कॉजेज की बात करें तो देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रोजन शोल्डर फर्स्ट इज़ प्राइमरी फ्रोजन शोल्डर एंड द सेकेंड वन इज सेकेंडरी फ्रोजन शोल्डर प्राइमरी फ्रोजन शोल्डर जो है uh, उसका कोई नोन कॉज नहीं है देर इज़ नो नोन कॉज द पैथोजेनेस मे बी प्रोवोकिंग क्रोनिक इन्फ्लमेशन इन मस्क्यूरो टेंडेस और साइनोवियल टिश्यू सच एज रोटेटर का वाइस टेंडन और ज्वाइंट कैप्सूल मतलब प्राइमरली इसका कोई नोन कॉज नहीं है बट अगर uh, किसी को पहले से कोई क्रोनिक इन्फ्लेशन uh, मतलब बट अगर उसको फ्रोजन शोल्डर हो जाता है तो उसमें उसको फिर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन दिख सकती है मस्क्यूलो टेंडनस टिश्यूज़ में साइनोवियल टिश्यू में रोटेटर कफ़ में और बाइसेप्स टेंडन और जॉइंट कैप्सूल में सेकेंडरी फ्रोजन शोल्डर की अगर बात करें तो व्हेन देयर इज़ ऑलरेडी सम पैथोलॉजी सच एज ड्यूमेटोड आर्थराइटिस ऑस्टियोआर्थराइटिस ट्रॉमा और इमोबलाइजेशन और बाय डायरेक्ट इंजरी विच लीड्स टू फ्रोजन शोल्डर मतलब अगर किसी पेशेंट को पहले से कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत है सच एज ड्यूमेटोड आर्थराइटिस है उसको ऑस्ट्रियो है शोल्डर में ट्रामा है मतलब कभी उसका एक्सीडेंट हुआ हो और उसके शोल्डर जॉइंट में Uh, बहुत ज़्यादा चोट लगी हो अगर उसका हो सकता है कभी फ्रैक्चर हुआ कैपुला का क्लेविकल का या uh, ह्यूमरस का और उसकी वजह से उसका शोल्डर जॉइंट बहुत टाइम के लिए इमोबलाइज रहा हो या फिर कभी उसके शोल्डर पे डायरेक्ट हिट हुआ हो डायरेक्ट इंजरी हुई हो तो ऐसे केसेस में भी फ्रोजन शोल्डर होना पॉसिबल uh, है और इसी को हम सेकेंडरी फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं देर आर सम नॉन शोल्डर कॉजेज सच एज डायबिटीज़ मेलाइटस cardiovascular diseases with विद pain पेन the द which विच कीप्स द जॉइंट shoulder syndrome complication सिंड्रोम कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोलीज फ्रैक्चर एट्सेट्रा कुछ ऐसे भी आपके बॉडी के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं या आपकी बॉडी के इनबॉर्न डिसऑर्डर्स हैं जिसकी वजह जो शोल्डर के डिसऑर्डर्स नहीं हैं जो शोल्डर के डिजीज नहीं हैं बट फिर भी उनकी वजह से आपका जो शोल्डर है वो इफेक्ट होता है और उसमें फ्रोजन शोल्डर हो जाते हैं जैसे कि डायबिटीज़ है स्कार्डियो डिजीज है यानी हार्ट के डिजीजेज हैं या लंग्स के डिजीजेज हैं और जिसकी वजह से जो रेफर्ड पेन ऑफ रेफर्ट पेन है शोल्डर पे जाता है और जो uh, आपके शोल्डर पे फ्रोजन शोल्डर कॉज करता है नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द पैथोलॉजी तो ड्यू टू एबडक्शन एंड रिपीटेड ओवर हेड एक्टिविटीज़ ऑफ शोल्डर लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स एंड रोटेटर अंडर गो रिपीटेड स्ट्रेन मतलब क्योंकि uh, बार बार Uh, मतलब आपके शोल्डर में एबडक्शन हो रहा है और बार बार आपका जो शोल्डर है वो ऊपर जाता है आपके शोल्डर में कई सारे एक्टिविटीज़ होती हैं जो आप ओवरहेड एक्टिविटीज़ करते हो जैसे सामान उतारना बाल कोम्ब करना कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हो तो उसकी वजह से क्या होता है जो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स होता है और जो रोटेटर कफ होता है उस पर कंटिन्यूसली स्ट्रेन आता रहता है जिसकी वजह से उसमें चोट लगने के आसार बढ़ जाते हैं इन्फ्लीमेशन होने के आसार बढ़ जाते हैं तो जिसकी वजह से इन्फ्लीमेशन हो जाता है और इन्फ्लीमेशन की वजह से धीरे धीरे फाइब्रोसिस होने लगता है मतलब वहाँ के जो वहाँ का जो टिश्यू है वो फाइब्रोसिस में कन्वर्ट होने लगता है कॉन्सिक्वेंट थिकनिंग ऑफ द शोल्डर कैप्सूल हो जाता है शोल्डर uh, कैप्सूल में इसी वजह से फाइब्रोसिस की वजह से थिकनिंग होने लगती है देन लॉस ऑफ मूवमेंट मतलब मूवमेंट का लॉस होने लगता है वेस्टिंग ऑफ स्मॉल स्कैपुलर मसल ऑफ मसल्स एंड बाइसेप्स लोड ऑन जॉइंट इंक्रीज डी चेंजेस ये सारी चीज़ें आप देखने लगते हो मतलब मूवमेंट का लॉस होने लगता है स्मॉल स्कैपुलर मसल और बाइसेप्स मसल muscle जैसी मसल्स का वेस्टिंग होने लगता है जॉइंट लोड जॉइंट इंक्रीज हो जाता है मतलब जो आपका जॉइंट है उस पर भार ज़्यादा पड़ने लगता है लोड का मतलब है भार या वज़न उस पर ज़्यादा पड़ने लगता है जब भी आप हल्का फुल्का भी मूवमेंट करते हो डी चेंजेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे देन उसके बाद क्या होता है जो आपका कैप्सूल होता है वो फाइब्रॉज हो जाता है शोल्डर मूवमेंट्स डिक्रीज हो जाते हैं तो दिस वॉज अबाउट द पैथोलॉजी ऑफ फ्रोजन शोल्डर कि किस तरह से पैथोलॉजी धीरे धीरे बढ़ती है इसमें पैथोलॉजी में हमने पढ़ा कि जैसे जैसे हम बार बार एबडक्शन करते हैं ओवर हेड एक्टिविटीज़ करते हैं शोल्डर के मूवमेंट करते हैं तो उसकी वजह से जो आपके मसल्स के टेंडेंस हैं और मसल्स हैं उनका जो रोटेटर कफ है वो धीरे धीरे करके उस पर स्ट्रेन पड़ने लगता है और वो टूटने कटने फटने लगते हैं धीरे धीरे उसमें इन्फ्लीमेशन हो जाता है फाइब्रोसिस हो जाता है जिसकी वजह से कैप्सूल थिक हो जाता है उसी के साथ साथ जब कैप्सूल थिक हो जाएगा तो मूवमेंट का लॉस होगा स्कैपुलर मसल वैसे मसल्स की वेस्टिंग हो जाएगी आपके जॉइंट पे लोड इंक्रीज करेगा और डीजेनरेट चेंजेस होने लगेंगे और लास्ट में जाके आपका कैप्सूल फाइब्रॉस हो जाएगा जो कि आपके शोल्डर मूवमेंट को एकदम ही डिक्रीज़ कर देगा तो पैथोलॉजी के बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ फ्रोज एंड शोल्डर तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ द डिक्रीज एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन ऑफ शोल्डर जॉइंट सबसे पहले आपको एक्टिव और पैसिव रेंज ऑफ मोशन कम दिखाई देंगे देन कैप्सुलर पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो इसमें फ्रोजन शोल्डर का एक क्लासिकल साइन है कि अगर कोई भी पेशेंट फ्रोजन शोल्डर कंप्लेन कर रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे कि उसमें एक्सटर्नल रोटेशन खत्म होगा वो एक्सटर्नल रोटेशन का मूवमेंट नहीं कर पाएगा देन उसमें एबडक्शन का मूवमेंट खत्म होगा वो एबडक्शन नहीं कर पाएगा एंड लास्टली उसमें इंटरनल रोटेशन का मूवमेंट खत्म होगा इंटरनल रोटेशन नहीं कर पाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल रोटेशन फिर एबडक्शन एंड लास्ट में इंटरनल रोटेशन थर्ड इज एक्सेसरी जॉइंट मूवमेंट इज रिड्यूस जो एक्सेसरी मूवमेंट्स हमारे बोन्स हमारे जॉइंट्स में होते हैं वो कम हो जाएंगे नाइट पेन में डिस्टर्ब द स्लीप रात की Uh, नींद खराब हो जाएगी शोल्डर पेन की वजह से देन पॉस्चर ख़राब हो जाएगा पेशेंट का फॉल्टी पॉस्चर होगा जो uh, उसका स्कैपुला है वो प्रोट्रैक्टेड होगा और जो स्कैपुला है वो एंटीरियरली टिल्टेड होगा राउंडेड शोल्डर्स होंगे मतलब आगे की तरफ घूमे हुए शोल्डर्स होंगे जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो वट एवर पॉस्चर आई एम टेलिंग यू आप इस डायग्राम में मैच कर सकते हो दिस वन इज़ द नॉर्मल पॉस्चर एंड दिस वन इज़ द फॉल्टी पॉस्चर एट इन द केस ऑफ फ्रोजन शोल्डर और एलिवेटेड या प्रोटेक्टेड शोल्डर्स मिलेंगे द नेक्स्ट इज डिक्रीज आर्म स्विंग ड्यूरिंग गेट जब भी पेशेंट चलेगा तो उसका आर्म स्विंग रिस्ट्रिक्टेड होगा वो इसलिए होगा रिस्ट्रिक्टेड क्योंकि उसके मूवमेंट्स ऑलरेडी रिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं नेक्स्ट इज मस्कुलर वीकनेस उसको पेशेंट को मसल की वीकनेस होगी बहुत ज़्यादा मसल पेन होगा डिफिकल्टी इन लिफ्टिंग हैवी वेट हैवी वेट पेशेंट लिफ्ट नहीं कर पाएगा डिफ़िकल्टी इन डूइंग ओवर हेड एक्टिविटीज सर के ऊपर वाली एक्टिविटीज पेशेंट नहीं कर पाएगा डिफ़िकल्टी इन आउटवर्ड रीच एंड बिहाइंड द बैक एक्टिविटीज मतलब आउटवर्ड रीच यानी आगे से हाथ बढ़ाकर कोई चीज़ उठाने में उसको दिक्कत होगी एंड बिहाइंड द बैक एक्टिविटी मतलब हाथ पीठ के पीछे करके उसको कुछ भी करने में दिक्कत होगी नेक्स्ट इज एकिंग इज़ यूजली लोकलाइज टू द डेल्टॉइड रीजन मतलब उसको जो पेन होगा वो यूजअली डेल्टॉइड रीजन में स्टार्ट होगा और धीरे धीरे वो आगे की तरफ बढ़ेगा रजिस्टिव टेस्ट आर जनरली पेन फ्री इन अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन अगर आप उसमें रजिस्टिव टेस्ट करोगे मतलब अगर आप रेजिस्टेंस लगा के किसी मूवमेंट को पे uh, करने के लिए उसको बोलोगे रेजिस्टिव मूवमेंट्स करवाओगे तो वो पेन फ्री होंगे उसमें पेन नहीं होगा अनएबल टू डू ए डी एल लाइक कोम्बिंग ग्रूमिंग ड्रेसिंग एट्सेट्रा मतलब वो नॉर्मल अपने रोजमर्रा के काम नहीं कर पाएगा जैसे कि कोम्बिंग है ग्रूमिंग है ड्रेसिंग है टेंडेनेस में भी प्रेजेंट ऑन पैल्पेटिंग बिटवीन द अटैचमेंट्स ऑफ पोस्टीरिया एंड मिडल डेल्टोयड अगर आप पोस्टीरिया और मिडिल डोल्टॉयड के बीच में पैल पैल्पेट करोगे तो आपको वहाँ पर टेंडेनेस मिल जाएगी पेशेंट फील्स पेन एट द एंड ऑफ द लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन जब रेंज ऑफ मोशन जो पेशेंट कर पा रहा है जब उसका एंड रेंज आएगा उस एंड रेंज में पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होगा फिर अगर हम इसकी क्लिनिकल स्टेज की बात करें तो देर आर थ्री स्टेज ऑफ फ्रोजन शोल्डर द फर्स्ट स्टेज इज स्टेज ऑफ पेन दैट इज द फ्रीजिंग स्टेज सेकेंड इज द स्टेज ऑफ स्टिफनेस दैट इज द फ्रोजन स्टेज एंड द थर्ड वन इज द स्टेज ऑफ रिकवरी दैट इज द थोइंग स्टेज तो पहला स्टेज जो है स्टेज ऑफ पेन या फ्रीजिंग स्टेज इसमें होता है एक्यूट पेन विच परसिस्ट इवन एट रेस्ट मतलब एक्यूट सा पेन होता है जो कि रेस्ट पर भी होगा डिक्रीज मूवमेंट्स पर भी होगा इसमें एक्सटर्नल रोटेशन सबसे कम कर पाएगा पेशेंट फिर एबडक्शन नहीं कर पाएगा और लास्टली इंटरनल रोटेशन नहीं कर पाएगा पेन एट नाइट होगा रात में पेन होगा पेन रेडिएट्स बिलो द एल्बो एंड डिस्टर्ब स्लीप मतलब जो पेन होगा वो एल्बो तक जाएगा और रात में नींद आपकी खराब करेगा टेंडेनेस इज प्रेजेंट इमीजिएटली बिलो द एक्रोमियन प्रोसेस टेंडेनेस जो होगी वो जस्ट एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे होगी नियर द अटैचमेंट्स ऑफ पोस्टीरियर एंड मिडल डेल्टॉयड जहाँ पर पोस्टीरियर और मिडल डेल्टॉइड का अटैचमेंट है वहाँ पर जाके इसको टेंडेनेस होगी दिस स्टेज लास्ट फॉर अराउंड टेन टू थर्टी सिक्स वीक्स ये स्टेज लगभग दस से छत्तीस वीक्स तक रहती है टेन टू थर्टी सिक्स वीक्स तक रहती है टेन वीक्स का मतलब है लगभग ढाई महीना ढाई जब फ्रोजन शोल्डर होगा तो ढाई महीने से लेकर थर्टी सिक्स वीक्स तक ये स्टेज रहेगी योर नेक्स्ट स्टेज इज स्टेज सेकेंड दैट इज द स्टेज ऑफ स्टिफनेस या फिर फ्रोजन स्टेज जहाँ पर फ्रोजन हो चुका है कैप्सुलर टाइटनेस लिमिटेड मोशन कैप्सुलर पैटर्न पेन डिक्रीजेस स्टिफ शोल्डर स्लाइट मूवमेंट्स प्रेजेंट लास्ट फॉर नाइन टू फिफ्टीन मंथ्स मतलब कैप्सुलर कैप्सूल की टाइटनेस होगी मोशंस लिमिटेड होंगे कैप्सुलर पैटर्न में पेन डिक्रीज करेगा शोल्डर्स स्टिफ होंगे मूवमेंट्स uh, कुछ मूवमेंट्स प्रेजेंट होंगे कुछ नहीं प्रेजेंट होंगे लगभग नौ से पंद्रह महीने के लिए रहेगा पेन इज प्रेजेंट इन द एंड रेंज ऑफ मूवमेंट जो पेन है वो एंड रेंज ऑफ मूवमेंट पे रहेगा लिमिटेड जॉइंट प्ले मतलब जो जॉइंट प्ले है वो कम हो जाएगा जॉइंट प्ले का मतलब है जॉइंट के मूवमेंट्स कम हो जाएंगे एक्सेसरी मूवमेंट्स कम हो जाएंगे सिग्निफिकेंट अडेशन रहेगा मतलब अच्छा खासा आपको उसमें एडेशन मिल जाएगा ट्रॉफी ऑफ डेल्टॉइड मसल रहेगा डेल्टॉइड मसल खराब होने लगेगी uh, रोटेटर कफ की अट्रॉफी रहेगी बाइसेप ट्राइसेप रेक्यालिस मसल की अट्रॉफी रहेगी ये सारी मसल्स खराब हो जाएंगी लिमिटेड ग्लिनो ह्यूमरल मोशंस रहेंगे मतलब ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट जो है उसका लिमिटेड मोशन रहेगा विद सब्सिट्यूट मोशन इन द स्कैपुला मतलब स्कैपुला के मूवमेंट भी काफ़ी हद तक खत्म हो जाएंगे कम हो जाएंगे इसके बाद आएगी हमारी स्टेज थ्री दैट इज द स्टेज ऑफ रिकवरी या फिर उसको हम थोइंग स्टेज बोलते हैं तो नो no साइनोवाइटिस इसमें आपको कोई भी साइनोवाइटिस नहीं मिलेगा मतलब कोई भी साइनोवियम का इन्फ्लोमेशन नहीं होगा नो पेन पेन नहीं होगा मूवमेंट्स रिकवर्ड बट विल नेवर बी रिगेन टू नॉर्मल मतलब जो मूवमेंट्स हैं वो धीरे uh, धीरे वापस आने लगेंगे लेकिन ये नॉर्मल नहीं हो पाएंगे विदाउट फिजियोथेरेपी नॉर्मली ये अपने आप को रिकवर करने लगेगा फ्रोजन शोल्डर बट नॉर्मल मूवमेंट्स पूरी तरह से नहीं आ पाएंगे लास्ट फॉर सिक्स मंथ्स टू टू ईयर्स मतलब ये लगभग छः महीने से दो साल तक रहेगा इनेबिलिटी टू रीच ओवर हेड आउटवर्ड्स बिहाइंड द बैक एक्टिविटीज़ मतलब ये ओवर हेड एक्टिविटीज़ सर के ऊपर वाली एक्टिविटीज़ नहीं हो पाएंगी आउटवर्ड्स यानी कि हाथ बढ़ा के काम करने वाली एक्टिविटीज़ और बिहाइंड द बैक वाली एक्टिविटीज़ ये नहीं कर पाएंगे एथिंग यूजअली लोकलाइज टू डेल्टॉइड रीजन जो पेन होगा वो डेल्टॉइड रीजन में मेनली प्रेजेंट होगा इस uh, डायग्राम में आप देख सकते हो इस ग्राफ दिस ग्राफ शोज़ यू कि किस तरह से आपका जो फ्रोजन शोल्डर है उसकी अलग अलग स्टेजेस कितनी सीवियरिटी के साथ आपको इफेक्ट करेंगी फर्स्ट वन इज़ फ्रीजिंग जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी क्योंकि यहीं से आपकी फ्रीजिंग स्टेज स्टार्ट होगी यहीं से आपका फ्रोजन शोल्डर स्टार्ट होगा नेक्स्ट इज़ फ्रोजन जिसमें जितना पेन है वो उतना ही लिमिटेड रहेगा जितनी भी मूवमेंट्स हैं वो उतना ही लिमिटेड रहेंगे और जो थॉइंग है वो उतनी ही लिमिटेड रहेगी बट जब थॉइंग स्टेज आएगी तो वहाँ से आपका फ्रोज़न शोल्डर कम होने लगेगा और धीरे धीरे नॉर्मल स्ट्रक्चर को रिगेन करने लगेगा उस नॉर्मल स्ट्रक्चर को रिगेन करने पर अगर फिजियोथेरेपी अप्लाई नहीं हो रही है तो नॉर्मल मूवमेंट्स होंगे बट पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हो पाएंगे तो इसी के साथ हमारा आज का ये चाप वीडियो ख़त्म होता है इसके बारे में हम और पढ़ेंगे इन हर नेक्स्ट वीडियो तो किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो थैंक यू